हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम गाइस यहाँ पे आज मैच खेलने के लिए उतरने वाली है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। और गाइस यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट होंगे ये मुकाबले। और गाइस यहाँ पे राजस्थान के घर पे गाइस यहाँ पे आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मैचेस खेलने वाली है। अब गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की थोड़ा सा हम लोग बात करें तो गाइस यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए आपके पास मैचेस हैं एंड आपको सिर्फ उन मैचेस को जीतना पड़ेगा तभी आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम चाहती है कि हम लोग आईपीएल 2023 में क्वालिफाई फिर से करेंगे तो आपको सबसे पहले तो राजस्थान को हराना पड़ेगा। राजस्थान को अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम हराती है तो गाइस यहां पे राजस्थान रॉयल्स का जो मैच है वो एक बच जाएगा एंड उसके बाद वो मैच अगर जीत भी जाती है आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की टीम तो गाइस यहां पे 14 पॉइंट्स तक ही यहां पे पहुंच पाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। और अगर गाइस यहां पे पूरी तरह से जीत जाती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम तीनों के तीनों मुकाबले तो गाइस यहाँ पे आसानी से यहाँ पे को प्ले ऑफ में जा सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक मैच गाइस यहाँ पे हारना पड़ेगा तभी गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम क्वालिफाई कर सकती है। मैंने आपको पहले बोला था कि किसी ना किसी टीम के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा एंड एक टीम को कई यहाँ पे मैचेस हारने पड़ेंगे। एक मुकाबला भी अगर हारती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तो कई यहाँ पे आरसीबी की टीम के लिए क्वालिफाई पूरी तरह से हो जाएंगे। लेकिन तीनों के तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तीनों के तीनों मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे। अब गई हम बात करते हैं थोड़ा सा चेंजेस के बारे में, क्या क्या इस मुकाबले में आरसीबी की टीम चेंजेस कर सकती है। अब आरसीबी के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो आपने इस सीजन कुछ ऐसा किया नहीं है एंड कुछ उभरते हुए सितारों को आपने जगह नहीं, सही बताऊं तो मौका सही से उनको मिला नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एंड उसके बाद आप लोग बाहर बैठा रहे हो तो सही से मौका मिला नहीं है, ठीक है। एंड सुहास प्रभु देसाई का आप लोग यहाँ पे नंबर 3 पे भेजिए एंड गाइस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सुहास प्रभु देसाई नंबर 3 पे बहुत ज्यादा फिट बैठते हैं एंड 3 नंबर पे गाइस बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। एंड तो गाइस ये एक चेंज यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को कर सकती है। अनुज रावत को अब आप बाहर बैठाइए क्योंकि अब उनका कोई काम है नहीं। अब आप दूसरे खिलाड़ी को मौका दीजिए, दूसरे खिलाड़ी को लेकर आइए। अनुज रावत के साथ अब नहीं जानी चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। बट गाइस आज के मैच में देखते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मैनेजमेंट कैसा डिसीजन लेती है, कैसा प्लेइंग 11 तैयार करती है एंड गाइस पे इंपैक्ट प्लेयर में कौन कौन से खिलाड़ी को रखती है। तो गाइस यहां पे आज के मैच में हम सभी को दिखेगा कि आरसीबी की मैनेजमेंट क्या कर रही है। अब गाइस उसके बाद हम लोग बात करें हसरंगा ब्रैसवेल। तो गाइस पे जो दो नाम है ना, आपको देखो दोनों खिलाड़ी दोनों काम करके दे सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट काम करके दे सकते हैं ब्रैसवेल, जो कि बल्लेबाजी करके दे सकते हैं, मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने हसरंगा को शामिल तो किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने ऐसा ऑलराउंडर की वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं एंड गेंदबाजी तो अच्छे करते ही हैं। चलो ये बात तो मैं मानता हूँ कि गेंदबाजी कमाल के करते हैं लेकिन बल्लेबाजी आपने जो सोचा था कि वो बल्लेबाजी करके देंगे वो बल्लेबाजी करके उन्होंने अभी तक दिया नहीं है आपको। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पारियां तो अच्छी अच्छी खेली है लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए अच्छी पारी उन्होंने खेला नहीं है अभी तक। तो ये मेरे मन में थोड़ा सा सवाल था कि यहाँ पे क्या देख के इनको लिया गया था, आपने युजवेंद्र चहल को छोड़ा। तो गाइस अब मौका बहुत हुआ लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अब ब्रैसवेल या फिर हसरंगा, मेरे अकॉर्डिंग ब्रैसवेल को मौका देना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं प्ले ऑफ के चांसेस के बारे में। तो प्ले ऑफ में तो अभी भी पहुँच सकती है आरसीबी की टीम। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि तीनों के तीनों मैचेस सबसे पहले आपको जीतने पड़ेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक मैच हारना है, 4 नंबर पर रहकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम क्वालिफाई करेगी आईपीएल 2023 के लिए। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।